दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए रेलवे की सीधी भर्ती की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे RRC यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC NCR रेलवे ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। इस भर्ती के लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा। बिना परीक्षा की नौकरी यहाँ पर निकली है। सैलरी 30,000 रुपये है यहाँ पर प्रति माह के लिए। ऑल इंडिया से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेल और फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं रेलवे RRC NCR भर्ती 2023 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। RRC NCR रेलवे की ओर से नया विज्ञापन जारी हो चुका है। जूनियर टेक्निकल एसोसिएट JT की यहाँ पर पोस्ट निकली है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हम आपको इसकी नोटिफिकेशन की PDF से दिखाएंगे। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 20 सितंबर 2023 है। बात अगर सैलरी डिटेल की जाए तो Z क्लास के लिए 25,000 रुपये है, Y क्लास के लिए 27,000, X क्लास के लिए 30,000 रुपये है प्रति माह के लिए। डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 33 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है एप्लीकेशन। SST फीमेल EWS को कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप इस भर्ती के लिए फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा इसमें आपका मेरिट लिस्ट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पे। बिना एग्जाम के भर्ती है, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। RRCPRYJ.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड करने के लिए और डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट लिंक्स का ये सेक्शन दिया गया है। जैसे ही आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इस भर्ती की PDF ओपन हो जाएगी। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल प्रयागराज की ओर से नया विज्ञापन जारी हो चुका है। यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप देख सकते हो 31 अगस्त से आवेदन चल रहे हैं। लास्ट डेट 20 सितंबर 2023 है। जूनियर टेक्निकल एसोसिएट JTA वर्क्स के यहाँ पर ये पोस्ट इसमें निकली है। ऑनलाइन आवेदन पत्र आपसे मंगाए जा रहे हैं RRCPRYJ.org। इस पोर्टल से आप केवल ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर आप वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए यहाँ पर 9 वैकेंसीज UR के लिए है, EWS के लिए 2 है, OBC के लिए 5 है, SC के लिए 3 है, ST के लिए 2 है। कुल मिलाकर 21 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में या फिर BSc सिविल इंजीनियरिंग और यहाँ पर 3 साल की होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। और देख सकते हो यहाँ पर आप सिविल इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो सब स्ट्रीम बेसिक स्ट्रीम से, और यहाँ पर बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग से भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो डिग्री या फिर डिप्लोमा धारक कैंडिडेट जो इंजीनियरिंग से है वह अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो एज लिमिट 18 से 33 वर्ष है। साथ साथ एज रिलैक्सेशन यहाँ पर OBC के लिए 3 साल की है, SC ST के लिए 5 साल की यहाँ पर दी गई है। इसी तरह यहाँ पर सिलेक्शन देख सकते हो, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, उसके बाद में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फीस पेमेंट 100 रुपये है। SC ST वुमेन EWS को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। सैलरी यहाँ पर 25,000, 27,000 और 30,000 है अलग अलग क्लास के लिए। यहाँ पर आप स्क्रोल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस की डिटेल दी गई, साथ साथ हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर दिया गया है कि कैसे आप फॉर्म फिल करोगे। सभी इंस्ट्रक्शंस आपको PDF में ही दे दिए गए हैं। अप्लाई करने से पहले आप रीड आउट कर सकते हो। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करोगे तो इसका ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको डायरेक्टली राइट साइड में लॉगिन सेक्शन में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड फिल करना होगा और ये कैप्चा यहाँ पर फिल करना होगा और लॉगिन टैब पर क्लिक करके लॉगिन करते हुए फॉर्म फिल करना होगा।
अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आप देख सकते हो न्यू रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर ये टैब दी गई है, इस टैब पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडिडेट नेम, इसमें आपको यहाँ पर इसमें इस बॉक्स में फिल करना होगा। उसके बाद में कम्युनिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी, रिलीजन, उसके बाद में PWD हो या नहीं, ई सर्विसमैन, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करनी होगी, एज लिमिट आपको यहाँ पर इसमें आपको फिल करनी होगी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और उसके बाद में रजिस्टर नो की टैब पर क्लिक करते हुए रजिस्ट्रेशन कर देना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में एक बार फिर से आपको यहाँ पर लॉगिन करते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड फिल करके लॉगिन करना होगा। उसके बाद में बेसिक डिटेल भरनी होगी, फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिल करनी होगी और डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होंगे। उसके बाद में फीस पेमेंट करना होगा, SC ST फीमेल को कोई फीस पेमेंट नहीं करना होगा। उसके बाद में आप फाइनली फॉर्म सबमिट कर सकते हो। इस तरह से सिंपल तरीके से आप इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी की जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।